कोलकाता में दिखा द वॉल का कमाल। राहुल द्रविड़ ने टेस्ट करियर का बनाया 36वां शतक। सचिन के महाशतक का इंतजार हुआ और लंबा। भारत वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे कोलकाता टेस्ट की शुरुआत जब ईडन गार्डन्स में हुई तो सैकड़ों खेल प्रेमियों की नजर सचिन के महाशतक पर थी। लेकिन खेल प्रेमियों को एक बार फिर निराशा हाथ लगी। सचिन 38 के निजी योग पर देवेंद्र बिशु की गेंद पर मार्लन सैमुअल्स के हाथों लपके गए और इसी के साथ महाशतक का इंतजार और लंबा हो गया। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जिसके बाद सलामी बल्लेबाज सहवाग और गंभीर ने अपने अंदाज में तेज और ठोस शुरुआत दी। लेकिन 38 रन के निजी स्कोर पर सहवाग कप्तान डेरेन सैमी की गेंद पर एंडन के हाथों लपके गए। उसके बाद द्रविड़ ने गंभीर के साथ मिलकर भारतीय पारी को फिर से संवारा और फिर गंभीर अपना अर्धशतक पूरा करने के बाद 65 रन के निजी योग पर चलते बने। लेकिन वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण और टीम इंडिया की दीवार द्रविड़ ने मोर्चा संभाला और दोनों के बीच शानदार 140 रन की साझेदारी हुई। इस दौरान द्रविड़ ने अपने करियर का 36वां टेस्ट शतक और लक्ष्मण ने 56वां अर्धशतक भी पूरा किया। मजबूती से आगे बढ़ रही टीम इंडिया को तब झटका लगा जब क्रेग ब्रैडफोर्ड ने राहुल को 119 के निजी स्कोर पर बोल्ड कर दिया। उसके बाद नाइट वॉचमैन के रूप में भेजे गए ईशांत शर्मा भी पहली ही गेंद पर केमार रॉच का शिकार बन गए। उन्हें विकेट के पीछे कॉल्टन ब्रॉ ने लपका। इसके तुरंत बाद अंपायरों ने दिन का खेल समाप्त घोषित कर दिया। फिलहाल पिच पर युवराज और वीवीएस लक्ष्मण डटे हुए हैं और टीम इंडिया ज्यादा से ज्यादा रन बनाकर दूसरी पारी में खेलने से बचना चाहेगी और यहीं से सीरीज को अपने नाम करने की कोशिश करेगी। जनता के लिए सोनू झा की रिपोर्ट।